IVM. भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? ए प्रणय, मैं बढ़िया, तुम बताओ। सौरभ, अभी हालिया 11 अगस्त को बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है, आपको पता था क्या? अरे नहीं, ये तो पहली बार सुना मैंने। तो ये बलूचिस्तान भी एक ऐसा विषय है जो कई बार आते रहता है, और पर फिर भी इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं वो कुछ कमी लोगों को पता है। और जैसे कि एक और मैंने रिसेंटली सुना, आपको पता है बलूचिस्तान स्टेट जो एग्जिस्टिंग फॉर्म में है वो किस साल में बना होगा, आप गेस कीजिए। कुछ 1960-70 के करीब। हाँ, 1971 में, 1970। तो ये जो, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 में बना, पर बलूचिस्तान इस स्टेट में काफी बाद में बना है, तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। तो बलूचिस्तान विषय पर ही, मतलब मैंने पाकिस्तान को फॉलो किया है पर बलूचिस्तान स्टेट के बारे में मुझे बहुत कम जानकारी थी, और इसीलिए मैंने किताब ली तिलक देवेश्वर जी की, जिसका नाम है बलूचिस्तान पाकिस्तान कनंड्रम, और उसमें बलूचिस्तान के बारे में हिस्ट्री और आगे क्या होने वाला है बलूचिस्तान के पॉलिटिक्स का, उसके बारे में बड़े बढ़िया तरीके से जिक्र हुआ है। तो मैंने सोचा इसी विषय पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इंस्ट्रक्टिव भी है, कि खासकर बलूचिस्तान, जब भी हिंदुस्तान में कुछ कश्मीर का मामला आता है तो कश्मीर में लोग बोलते हैं हमें बलूचिस्तान उठाना चाहिए। तो शायद ये डिस्कशन में ये भी दिखेगा कि कहाँ पैरेलल है और कहाँ बहुत फर्क भी है। बिल्कुल, ये तो मुझे जानना ही है, क्योंकि ये आपने जैसे बोला वो हमेशा जिक्र होता है। तो इसीलिए हमारे साथ है तिलक देवेश्वर जी, उन्हें लेकर आए हम इस पुलियाबाजी में। देवेश्वर जी ने पहले भी एक किताब लिखी थी, काफी बहुचर्चित किताब थी, पाकिस्तान कोर्टिंग द एबिस, और देवेश्वर जी रिटायर हुए थे स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरीट के तौर पर, और उन्होंने पाकिस्तान और लंदन कई जगह पर सर्व किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। तो देवेश्वर जी, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। थैंक यू, धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ना देवेश्वर जी, शुरू से, आई मीन आप तो ऑब्वियसली इन चीजों में, इनके अलावा पाकिस्तान में काफी एक्सपर्टीज है आपका, पर बलूचिस्तान में स्पेसिफिकली बहुत पहले भी किताबें लिखी गई है, पर आपको क्यों लगा कि ये नई किताब लिखनी चाहिए, ये विषय में आप कैसे इसके अंदर रुचि लेने लगे? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक शेर से शुरुआत करना चाहूंगा। हबीब, वाह वाह, इरशाद। हबीब जालेब बड़े फेमस शायर थे पाकिस्तान बलूचिस्तान के। बिल्कुल बिल्कुल, रेवोल्यूशनरी। हाँ, रेवोल्यूशनरी। तो उनकी एक बड़ी अच्छी एक कपलेट है जो मैं आपके आपके लिए पेश करता हूँ। कहते हैं कि मुझे जंग आजादी का मजा मालूम है, मुझे जंग आजादी का मजा मालूम है, बलोचों पर जुल्म की इंतहा मालूम है। मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ न दो, मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ न दो, मुझे पाकिस्तान में 60 साल जीने की सजा मालूम है। अरे वाह वाह, ये उनका वो बड़ा ही दिलचस्प शेर है। अच्छा, मेरे जो क्यों इंटरेस्ट हुआ मुझे बलूचिस्तान पे, जब मैं पहली किताब जिसका आपने जिक्र किया था पाकिस्तान कोटिंग दिया था, उसपे जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक दो सेंटेंसेस, दो लोगों के मुझे बयान मेरी नजरों के सामने से गुजरे, और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो था एक पिता का जिसका एक जवान लड़का पाकिस्तानी आर्मी ने उठा लिया था, और कोई कोर्ट में नहीं गए, कहीं नहीं गए, और दो सालों से वो बेचारा भटक रहा था, उसे कोई पता नहीं था कि उसका लड़का जिंदा भी है या मर गया है या कहां पर है। अच्छा। तो वो कहता है कि मैं थक गया हूं बोलते बोलते, रोते रोते, अपनी कहानी बयान करते करते, मगर कोई कुछ नहीं कर रहा, और अगर खुदकुशी मेरे मजहब में हराम ना होती तो मैं कब तक अपने आप को मार चुका हूं। और दूसरा था एक यंग स्टूडेंट का, लड़की, वो कहती है कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है मेरे लिए वो है बलूचिस्तान, मगर ये शब्द को बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग बोलते नहीं। हमने हर दरवाजा खटखटाया इंसाफ के लिए, मगर किसी ने हमारी नहीं सुना। हमने पाकिस्तान के लोगों से क्या
हासिल किया है जिल्लत के सलवा। तो ये तो दो जो चीजें मेरी नजर के सामने से मेरे नजर में आई, मुझे बहुत उन्होंने मूव किया, और जो इनमें दर्द है और जो इनमें एंग्विश है उन्होंने मुझे कन्विंस मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि मैं बलूचिस्तान को का अध्ययन करूं और इस पे एक किताब लिखूं, और जो सीक्रेसी पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे लगाई हुई है उसको किसी तरह से मैं एक्सपोज करूं, उसका नतीजा था ये किताब। तो खासकर जिनको थोड़ा ज्योग्राफी का अंदाजा नहीं है, क्योंकि पॉडकास्ट से पहले मैं ही थोड़ा प्रेप जब कर रहा था तो देखा तो बलूचिस्तान में सरप्राइज सा लगभग आधा पाकिस्तान ज्योग्राफिकली बलूचिस्तान। तो 44% उनका एरिया बलूचिस्तान में आता है, और लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 5% है वहां पर, तो एक कबायली टाइप का ट्राइबल टाइप का एरिया समझ में आता है। तो आप कभी बलूचिस्तान गए भी या आप मिले लोगों से जो बलूच लोगों से किताब के सिलसिले में, कैसा वहां पे लाइफ है और किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है वहां की पब्लिक? देखिए ये जो आपने जिक्र किया ना, जो लैंड और पॉपुलेशन का जो रेशियो है, ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बलूचिस्तान की वो यही है कि रकबा उनका इतना है 44%, मगर पॉपुलेशन है 5%। तो इसलिए सारी पॉपुलेशन बहुत थिनली स्प्रेड है, इतने बड़े इलाके में बहुत थिनली स्प्रेड है, उनका वो क्रिटिकल मास पॉपुलेशन का नहीं है, कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं है। तो ये बड़ी मसला है बलूचिस्तान का। मुझे बलूचिस्तान जाने का मौका तो नहीं मिला क्योंकि मुझे परमिशन नहीं मिली जब मैं वहां पर था, तो मगर मैं बहुत काफी लोगों से मिला हूँ, दोस्तियां भी हुई जब मैं सर्विस में था, तो लोगों से बलूचिस्तान के बारे में मुझे ज्ञान मैं हासिल करता रहा, और फिर बहुत रिसर्च किया लोगों की, उससे मैं और जो मेरा एक्सपीरियंस था उसको मिला के मुझे काफी इन्फॉर्मेशन दिया के बारे में। हाँ, और एक और चीज है इससे जुड़ी हुई, जैसे आपने बोला 44% पाकिस्तान का वर्ग क्षेत्र ही बलूचिस्तान है, लेकिन इसके अलावा भी दो और बलूचिस्तान है जिसके बारे में हम थोड़ा कम जानते हैं ना, क्योंकि बलूचिस्तान का एक हिस्सा अफगानिस्तान में भी है और एक ईरान में भी है, तो ये कैसे हो गया कि ये स्प्लिट हो गया बलूचिस्तान तीन अलग अलग देशों में? ये एक्चुअली बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बलूचिस्तान उस टाइम वो प्रिंसली स्टेट कलात कहते थे, और ये जो कॉलोनियल पावर थी ब्रिटेन, उसने अपने मफादात के लिए बलूचिस्तान को तीन हिस्सों में बांट दिया, और रीजन इसका ये था कि आपने वो शब्द ग्रेट गेम सुना होगा 19वीं सेंचुरी में, कि एक तरफ से रशियन एम्पायर बढ़ रही थी, दूसरी तरफ से ब्रिटिश एम्पायर बढ़ रही थी, और ये डेंजर ये था कि वो आपस में भिड़ जाएंगी, उसके लिए एक न्यूट्रल टेरिटरी या बफर स्टेट अफगानिस्तान के तौर पे उन्होंने डिसाइड किया, मगर अफगानिस्तान को बफर बनाने के लिए ये जरूरी था कि बलूचिस्तान पे कब्जा किया जाए, तो वो उन्होंने किया। फिर भी ईरान का था, तो जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थी ब्रिटेन की, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम कुछ हिस्सा बलूचिस्तान को ईरान में दे दें और कुछ अफगानिस्तान को दे दें, तो फिर वो रशिया के साथ अपना संबंध नहीं बढ़ाएंगे और हमारी ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में खतरा नहीं होगा। इसलिए 1871 में एक गोल्ड स्मिथ लाइन तश्कील की गई, जिसमें एक चौथाई हिस्सा कालात का वो पर्शिया को दे दिया 1871 में, ये वेस्ट में, और नॉर्थ में थोड़ा इलाका अफगानिस्तान को दे दिया। आगे जाके 1896 और 1905 में भी जाके थोड़े और, जो एंग्लो पर्शियन जॉइंट बॉर्डर कमीशन थी, उन्होंने और इलाका पर्शिया को दे दिया। और ये भी नहीं, पाकिस्तान बनने के बाद भी जो बलोच मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट थी जकोबाबाद की, वो सिंध को दे दी गई, और डेरा गाजी खान एक और डिस्ट्रिक्ट थी वो पंजाब को दे दी गई। इसलिए जो पाकिस्तान और कलात का जो बहुत बड़ा रकबा था उस वक्त छोटा करते करते अब इतना छोटा, ये फिर भी 44% ऑफ पाकिस्तान है। इसलिए बलूच तीन हिस्सों में बट गए, एक ईरान के पास चला गया जहां वो कहते हैं सिस्तान और वेस्टर्न मकरान बलूचिस्तान प्रोविंस, और अफगानिस्तान में जैसे हेलमंड है वहां पे बलूच अक्सरियत है। तो यानी बलूचिस्तान सही में अगर अलग कंट्री टाइप बन गई होती तो पाकिस्तान से भी बड़ी होती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर पूरा पर्शिया जो ईरान का इलाका इसमें मिला दिया जाए और अफगानिस्तान का मिला दिया जाए, सर्टेनली रकबे के हिसाब से तो बड़ी होती, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं होती, राइट, मगर रकबे के हिसाब एरिया के हिसाब से सर्टेनली बड़ी होती। राइट, तो ये थोड़ी जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी हैं एरिया में, पॉपुलेशन बहुत थोड़ा सा है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ उस तरीके की लगती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। अब तो
बलूचिस्तान के अंदर ही अब हम आ जाते हैं पाकिस्तानी बलूचिस्तान के बारे में। और पाकिस्तानी बलूचिस्तान के अंदर ही मैंने किताब पढ़ी, आपने जैसे बताया था कि क्वेटा के ऊपर तो काफी पश्तून लोग हैं और क्वेटा के नीचे बलोच लोग हैं, बलोच ब्राह्मी लोग। तो ये पाकिस्तानी बलूचिस्तान में ही बहुत ही विविधता है, तो उनमें कई भाषाएं, कई जनजातियां हैं, कई धर्म भी हैं। तो कुछ बताइए इस विविधता के बारे में, आपने क्या नोटिस किया बलूचिस्तान? आपने सही कहा, दो मेजर कौमें हैं, एक तो बलोच ब्राह्मी एक तरफ है और पश्तून। पश्तून जो है मगर इनके इलाके अलग है, जो क्वेटा और उसके उत्तर में ये एरिया पश्तूनों का है। ये सेकेंड अफगान वॉर के बाद खान जो वहां पे अमीर थे या काबुल के, उन्होंने ब्रिटेन को अपनी हुकूमत को ये सीड किया था। तो ये इलाका ब्रिटेन के पास उस वक्त आया जो क्वेटा और उसके नॉर्थ का एरिया है पश्तूनों का। बाकी एरिया में बलोचा ब्राह्मी है, ब्राह्मी है वो कलात एरिया जो सेंट्रल हाईलैंड कहता है, और उसके दक्षिण उत्तर में झालावान, उसके दक्षिण में सारावान, यहां पर ये बलोच ब्राह्मी है और बाकी एरिया में बलोच है। और दो ही भाषाएं हैं, बलोची है और ब्राह्मी है। और आप जानते हैरान होंगे कि जो ब्राह्मी लैंग्वेज है वो तमिल से बहुत मिलती जुलती है। तो ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स सब कॉन्टिनेंट के हैं और दे स्टेड ऑन ओवर देयर। मगर जो ज्यादा बहुत जो ब्राह्मी है वो बलोची बोलते हैं। तो आज आज के डेट में सारे ही जो ब्राह्मी या बलोची ही बोलते हैं, तो उनमें कोई इतनी फर्क नहीं है बलोची और ब्राह्मी में, क्योंकि सारे बलोची बोलते हैं। ये ज्यादातर सुन्नी है, बट क्वेटा में मेरे शिया हजारा हैं जो अफगानिस्तान से माइग्रेट करके वहां पे आए थे टू एस्केप प्रोसिक्यूशन। हिंदू भी हैं वहां पे, 47 में ज्यादा थे, अब बड़े थोड़े रह गए हैं। और एक और वहां पे कौम है कॉल्ड जिक्री। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जिक्री होता है जो अरबिक वर्ड जिक्र से आता है, जो याददाश्त और रेसिटेशन के उस पर उनका धर्म इस्लाम है मगर उस पर बेस्ड है, और रेसिटेशन है याद करने का। और जिक्री जो है वो फॉलोअर है सैयद मोहम्मद जौनपुरी। ये जौनपुर यूपी इंडिया में इनका जन्म हुआ था 15th century में। ग्रेट सुन्नी स्कॉलर थे और ये मकरान गए थे और वहां पे कोए मुराद जगह है, वहां पे उन्होंने अपना वो पेनिटेशन जो भी कुछ किया। तो लोग यहाँ इस उनके फॉलोअर्स इनको क्या कहते हैं, वो गुले जमीन मानते हैं, कि इट्स अ फ्लावर ऑफ द अर्थ। और जितने भी नेशनलिस्ट हैं, जिक्री सब नेशनलिस्ट हैं, क्योंकि लिए उनके लिए जो बलूचिस्तान की जमीन है वो बहुत ही मुकद्दस जमीन है, क्योंकि ये फॉलोअर्स है जौनपुरी साहब। तो वहां पे जिक्रीज भी हैं, वो मकरान कोस्ट पे हैं। तो इसलिए बड़ी विविधता है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है, मगर ये सेक्युलर लोग हैं, ये सब धर्मों को मानते हैं और ये फंडामेंटलिस्ट या रेडिकल बिल्कुल नहीं है। हाँ, मुझे एक चीज हमेशा याद आती है, सौरभ जैसे जो राजकुमार है, जो इंडियन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के, वो भी बलूचिस्तान में जन्म हुआ था उनका ना, लोरालाई में। सही में, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। हाँ, वो बलोची तो नहीं थे, आई थिंक वो कश्मीरी पंडित थे, पर उनका जन्म लोरालाई बलोचिस्तान में हुआ, तो वो मुझे हमेशा खटकता था कि ये कैसे हो गया। तो वैसे ओवरऑल जैसा समझ में आ रहा है, हिंदुस्तान से काफी अच्छा संबंध रहा है बलोचिस्तान का कल्चरली पुराने जमाने में। अभी तो ऑब्वियसली कट गया होगा, लेकिन पहले तो काफी ज्यादा हिंदुस्तान से उसका ताल्लुक रहा है। लेकिन वो, लेकिन इतनी छोटी पॉपुलेशन में इतनी विविधता है, तो ये जैसे हमारी ट्राइबल स्टेट्स नहीं होती, मतलब हमारी कुछ कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहाँ इतनी छोटी पॉपुलेशन में 100 से अधिक डायलेक्ट्स वगैरह बोले जाते हैं, तो वो थोड़ा उसकी भी एक पहचान है ये कि एक इतनी छोटी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, मतलब कभी वहां पर डेंस अर्बनाइजेशन हुआ नहीं उस एरिया में। हाँ, से बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां एक तो क्वेटा का शहर है, मगर क्वेटा बलोच शहर नहीं है, ज्यादातर वहां पश्तून है। तो जैसे कलात है, खुजदार है, ये इस तरह के, बट ये ज्यादा बड़े शहर नहीं है, डेंस पॉपुलेशन इनमें नहीं है। और विविधता है, मगर विविधता के बावजूद ये बलोच अपने आप को आज की डेट में एक बलोच बलोच समझता है अपने आप को, कहा वो बकरान का हो, कलात का हो या कहीं और का हो। अच्छा, ये अच्छी बात है। तो एक बलोच आइडेंटिटी बन गई है, बलोच नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी जो है, जो कि नॉन ट्राइबल चीज है। मतलब हमारे भी जो ट्राइबल एरिया वहां पे, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, उनकी आपस में ही बनती नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन आप कह रहे हैं बलोचिस्तान में ये आपस की लड़ाई नहीं है ज्यादा लोगों में। हाँ, ये बहुत देर तक तो ट्राइबल स्ट्रक्चर, क्योंकि ट्राइबल स्ट्रक्चर था, कम्युनिकेशन नहीं थी, तो लोग की सबसे महत्वपूर्ण आइडेंटिटी अपनी ट्राइब की थी। मगर क्योंकि ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन, थोड़ा एजुकेशन बढ़ा है, और फिर सबसे ज्यादा फीलिंग ऑफ कॉमन पर्सिक्यूशन,
कि जो पाकिस्तान स्टेट है वो सबको एक तरह से बर्बाद कर रहा है, फीलिंग ऑफ डिप्रीवेशन की उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, और आज क्योंकि जो चाइनीज प्रेजेंस आ गई है तो डेंजर है कि वो अपने ही खुद के देश में एक माइनॉरिटी बन जाएंगी, इसलिए ये सारे लोगों में ये फीलिंग बलोच नेशनलिज्म की फीलिंग ज्यादा आ गई है। और आप देखेंगे कि ये जो लीडरशिप है, अब पहले तो ट्राइबल्स की लीडरशिप थी, ट्राइबल लीडर्स थे जैसे बरी थे, बुक्ती थे, मंगल थे, पर आज की डेट पे जो मिडिल क्लास बलोच है, खासतौर पर जो मकरान कोस्ट पे है, वो उन्होंने वो आगे आकर तो कॉमन बलोच जो है मिडिल क्लास का एजुकेटेड बलोच, ही हैज टेकन द लीडरशिप। तो इससे एक पैन ट्राइबल मूवमेंट बलोच नेशनलिज्म की अब सामने आई है। जी हाँ, और मतलब एक किताब में ये भी मैंने नोटिस किया आपने जब लिखा था कि जनरली पाकिस्तान गवर्नमेंट का ऑफिशियल नैरेटिव ये रहा है कि ये सिर्फ एक ट्राइबल जो सरदार हैं वही लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ओवर टाइम ये सिर्फ एक कबाइली सरदारों की वजह से नहीं है, काफी कॉमन बलूचिस्तान के अर्बन एरियाज के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चेंज हुआ है। तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है कि सिर्फ कुछ ट्राइबल सरदार जो मिसक्रिएंट्स उनको कहते हैं कि जो तंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल फॉल फ्लैट कर जाता है। अब कि अगर ट्राइबल लीडर्स अपने मफाद के लिए कुछ कर रहे हैं तो बाकी लोग धन उठा के उनके सपोर्ट में क्यों है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग पैन बलोच। तो ये मिडिल क्लास एजुकेटेड प्रोफेशनल क्लास आने से ये चेंज आया है बलोच नेशनलिज्म। हाँ, और आपने एक नाम भी बोला था डॉक्टर अल्ला नजर बलोच का, जो ये लीड कर रहे हैं अभी रिसेंट टाइम्स में। हाँ, एक्चुअली ये एक स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और इनको पाकिस्तान आर्मी ने पकड़कर बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया, बहुत ही बुरी तरह से। और जो डॉक्टर ने उनको ट्रीटमेंट की थी हॉस्पिटल में, वो कहता वो खड़े भी नहीं हो रहे सकते करते थे, उनका अपने मेंटल बैलेंस खो गया था, अपनी मेमोरी खो गए थे। इस तरह से फिर वो रिवाइव हुए, और उनके फिर उन्होंने आके जब वो हेल्दी हो गए तो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की अपने इलाके में, और वो अब कल सबसे, और वो कभी पाकिस्तान ये बलूचा से बाहर नहीं गए, बाकी जो लीडर्स हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, मगर ये बलूचिस्तान में ही बैठकर पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा मतलब हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान के ऊपर आ जाते हैं। मैं लिसनर्स को बोलूंगा कि किताब पढ़ेंगे आप तो उनको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के पहले भी बलूचिस्तान कैसे था उसके बारे में उन्हें ज्ञान मिलेगा, लेकिन इस पॉडकास्ट के लिए हम सीधा मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो देवेश्वर जी, ये बताइए कि आजादी के वक्त कलत रियासत का अंग्रेजों के साथ क्या अरेंजमेंट था, और 11 अगस्त को जो वो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, किस तरह कलत आजाद हुआ और फिर किस तरह वापस पाकिस्तान का हिस्सा बन गया? ये बड़ी दिलचस्प और बड़ी दर्दनाक सी कहानी है, क्योंकि जब ब्रिटिश ने कलत के साथ ट्रीटी की 1876 में, तो उन्होंने एक आर्टिकल 3 था कि कलत इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और उन्होंने उसको रिकग्नाइज किया, और इसीलिए खान ऑफ कलात था वो चेंबर ऑफ प्रिंसेस का मेंबर नहीं था। अच्छा, मतलब ये दूसरे प्रिंसली स्टेट के जैसा अरेंजमेंट नहीं था, उससे भी अलग था ये। बिल्कुल, क्योंकि जितने जो बाकी जो इंडियन के प्रिंसली स्टेट्स थे वो कैटेगरी ए में आते थे अंडर पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, मगर जो कलात था जैसे नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है, वो कैटेगरी बी के अंदर एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील करते थे कि ये फॉरेन कंट्री है। अच्छा, तो ये पोजीशन थी, मगर ब्रिटिश ने क्या किया 1935 के एक्ट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उन्होंने यूनिलैटरली कलात को प्रिंसली स्टेट में, इंडिया के प्रिंसली स्टेट में शामिल कर लिया। अच्छा। तो इसमें खान ने प्रोटेस्ट किया, मगर क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर शुरू हो गई तो उनको जवाब कोई मिला नहीं। बाद में उन्होंने फिर 2-3 बार टेकअप किया और फिर उनका जवाब मिला कि आप रिकग्नाइज करते हैं 1876 की ट्रीटी की, आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो। अच्छा। इसलिए जब 1947 में जब ब्रिटिश जाने वाले थे तो कलात को ना इंडिया को ज्वाइन करने की जरूरत थी ना पाकिस्तान को ज्वाइन करने की जरूरत थी, और ये सबने रिकग्नाइज किया। आपको इसकी भी हैरानी होगी कि 4 अगस्त को 1947 में एक मीटिंग हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन थे, खान ऑफ कलात थे और जिना था, मोहम्मद अली जिना, एंड इट वॉज उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया that Kalat will be an independent state, enjoying the same status जो उनको 1938-1976 में था, independent थी,
और इसके आफ्टर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया गया, जिना और लियाकत अली ने पाकिस्तान के बयान पे साइन किया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कलात के बारे में कहा कि जो भी अभी एग्रीमेंट है ब्रिटेन के साथ वो कंटिन्यू करेगी, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा। इस बेसिस पे खान ऑफ कलात ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया और 12 अगस्त से वो खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में आया। उस कलात का फ्लैग भी रेज हुआ, उसके खुतबे मस्जिदों में उसके खुतबे रीड किए खान ऑफ कलात के। एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उसने भी, उसके अंदर दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट थे। तो ये तो पाकिस्तान ने उसको रिकग्नाइज किया 47 में अगस्त में। मगर अक्टूबर के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने खान ऑफ कलात को प्रेशराइज करना शुरू किया कि आप पाकिस्तान के साथ मिल जाए। तो खान ने ये मामला दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को रेफर किया कि भाई क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि लोअर हाउस था दारुल अवाम, उसका मिड दिसंबर में उसका सेशन है। और वहां पे घोसबक्स विजन जो जो बाद में वो बबे पाकिस्तान फादर ऑफ बलूचिस्तान बबे बलूचिस्तान सॉरी उभर कर रहा है, और उन्होंने बड़ी एक फेमस स्पीच की इंग्लिश में, मैं आपके दर्शकों के लिए जरा पढ़ के सुनाना चाहूँ। जरूर। वो कहते हैं कि इफ पाकिस्तान वॉन्ट्स टू ट्रीट अस एज अ सॉवरेन पीपल वी आर रेडी टू एक्सटेंड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, इफ पाकिस्तान डज नॉट अग्री टू डू सो flying in the face of democratic principles, such an attitude will be totally unacceptable to us. And if we are forced to accept this fate, then every Baloch son will sacrifice his life in the defense of his national freedom. तो ये जो तो इनकी स्पीच के बाद तो लोअर हाउस ने रिजेक्ट कर दिया कि आप पाकिस्तान के साथ एक्सीड नहीं करेंगे। लाइकवाइज जो जनवरी 48 में जो अपर हाउस था दारुल उमरा, उन्होंने भी डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ एक्सीड नहीं करेंगे। तो ये फैसला खान ने जिना को बता दिया, तो जिना को ये एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान आर्मी ने धावा बोल दिया कलाब पर, खान को अरेस्ट किया, उसको कराची ले गए और उसको दबाव डालकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसे साइन करवा गया। मगर ये बलोच जो है ना, ये खान को ये इख्तियार नहीं था कि वो साइन करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसने ये पावर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को दे दी थी, हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर भी उसने साइन किया। तो बलोच समझते हैं कि ये जो एक्सेशन हुआ है ये इलीगल एक्सेशन था, खान ऑफ कलात के पास इख्तियार ही नहीं था कि वो एक्सीड करे, इसलिए ये मामला अभी भी लोग इस पे मानते हैं कि हमारा एक्सेशन इलीगल है। तो ये हिस्ट्री, ये बैकग्राउंड है। तो इससे एक ये भी समझ में आया, और ये कभी मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का रिलेशनशिप इंडिया नेपाल जैसा ज्यादा है, इंडिया कश्मीर जैसा कम है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली शुरू अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, बलूचिस्तान हिंदुस्तान का कभी हिस्सा ही नहीं था हिस्ट्री में, उसका ताल्लुक ज्यादातर ईरान प्लेटो के साथ था और वो खुद मुख्तार था, अफगानिस्तान और ईरान दोनों कब्जा करने की कोशिश करते थे, मगर सब कॉन्टिनेंटल पावर्स में किसी ने यहाँ पर आकर अपना डेरा नहीं जमाया। ब्रिटिश पहले थे क्योंकि वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे रशिया को अफगानिस्तान से दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान को अप्रोच किया। तो हमारा रिश्ता जो था, मैं इवन रंजीत सिंह का एम्पायर भी देखता हूँ, वो बलूचिस्तान के ऊपर रुक जाता है। हाँ, उन्होंने बलूचिस्तान पे कब्जा नहीं किया था। और एक और अपने रंजीत सिंह जी का जिक्र किया, तो जब वो ब्रिटेन अटैक करना चाहता था अफगानिस्तान को फर्स्ट अफगान वॉर 1840 में, तो रंजीत सिंह ने कहा कि आप पंजाब के थ्रू आपकी आर्मी नहीं ले जा सकते, तो ब्रिटेन को साउथ से जाना पड़ा, आर्मी ऑफ द इंडस को, तो साउथ बलूचिस्तान से जाता था, इसलिए वो बलूचिस्तान के कब्जे में आया। और उसमें भी जो मतलब सिर्फ क्वेटा तक का हिस्सा जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस हो गया वो था ना, जो कलात था वो तो अब फिर भी खुद मुख्तार होगा, वो इंडिपेंडेंट था 1876 की ट्रीटी के हिसाब से, वो टोटली इंडिपेंडेंट था। तो मतलब 1947 में जब हम लोग बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, हम खान ऑफ कलात की टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा तो फिर भी ब्रिटिशर्स ने कब्जा करके ही रखा था। हाँ, और जो ईरान में था वो ईरान में था ही। हाँ, जो जो ब्रिटिश बलूचिस्तान पहले कमिश्नर्स प्रोविंस था, ब्रिटिश बलूचिस्तान बना, ज्यादातर वो इलाका जैसे मैंने कहा था अमीर ऑफ काबुल से उन्होंने फोर्स करके लिया था सेकंड अफगान वॉर के बाद, उसमें उन्होंने दो तीन इलाके जैसे क्वेटा है, नुश्की है, वो लीज्ड एरियाज थे, और बनी और बुक्की ट्राइबल एरिया उन्होंने उसपे अटैच करके एक ब्रिटिश बलूचिस्तान सा एक बनाया। हालांकि वहां पे अक्सरियत पश्तूनों की थी, मगर वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के माइंड में ऐसा आया कि उसको ब्रिटिश बलूचिस्तान का इलाका घोषित कर दिया। मगर तो इसके उसके जो बाकी इलाका था वो खान ऑफ कलात खारान है, और बाकी जो दो तीन और स्टेट्स थी वो सब खान ऑफ कलात के थे।
ये इसको देख के एक और मेरे जो हम सिमिलैरिटीज बहुत ढूंढ रहे हैं, हमने कश्मीर से भी ढूंढ ली थोड़ी सी शायद, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया और उस पर डिस्प्यूट है उसको लेकर के शायद लोग बोलते हैं, और दूसरा जो क्योंकि वहां के लोग काफी सारे बोल रहे हैं कि हम पे तुमने हक जमा रखा है, जैसे यहाँ पे सेपरेटिस्ट भी बोलते हैं, पर जैसे हमने देखा शायद रिलेशनशिप नेपाल जैसा ज्यादा है। दूसरा मुझे कुर्द लोगों की याद आ रही है, जैसे कुर्दिस्तान का भी यही हालत है, वो इराक, ईरान और टर्की के बीच में फैला हुआ है, तीन देशों के बीच में, और उनके साथ भी एक यही दिक्कत है कि इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान कोई नहीं चाहता है, क्योंकि फिर सबको डर है कि मेरी टेरिटरी में से कुछ ना कुछ चला जाएगा। ये एक चीज मुझे बलोच के साथ भी लग रही है कि काफी बार होता है कि पड़ोसी देश, अब जैसे कश्मीर में इशू है तो पाकिस्तान वहां पे उंगली करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान ईरान के बगल में है तो ईरान हेल्प करता है, इनफैक्ट ईरान पाकिस्तान की हेल्प करेगा, वरना अगर वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई तो उनको भी खतरा है उस सेपरेटिज्म से ना। बिल्कुल, इनफैक्ट 70s में जो इंसर्जेंसी हुई थी बलूचिस्तान में वो कशी की गई थी जब खान जो ईरान था, शाह ऑफ ईरान, उसने पाकिस्तान को भुट्टो को $200 मिलियन दिए, आपके हेलीकॉप्टर्स भेजे गनशिप्स, अच्छे हिसाब से अब उन्होंने बलूचिस्तान को कब्जे में किया, नहीं तो वो इंसर्जेंसी तो बहुत फैल गई थी। मगर ईरान की वजह से, ईरान नहीं चाहता कि एक तो यहाँ पे बलूचिस्तान खुद मुख्तार हो, क्योंकि उनका जो एक चौथाई हिस्सा है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस का ब्रिटिश के टाइम में उनको मिला है, वो खतरे में पड़ जाता है। इसी तरह अफगानिस्तान नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि उनके बलोच भी हैं, उनके भी बलोच हैं। हाँ, और अफगानिस्तान ये समझता है कि बलूचिस्तान एक्चुअली ग्रेटर अफगानिस्तान एक होना चाहिए, जिसमें ये बलोच का एरिया, क्योंकि किसी जमाने में अहमद शाह दुरानी के जमाने में ये बलोच का कलात का एरिया अफगानिस्तान के अंडर था। अच्छा, कई लोग हैं अफगानिस्तान में वो समझते हैं कि ये ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए कलात, तो इस तरह बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। और आपने कुर्द का जिक्र किया, इनफैक्ट जो बलोच है, एक थ्योरी ये है कि बलोच जो है उनका ओरिजिन कुर्द से है और कुर्द से लोग चलकर यहाँ पर आए। अच्छा, तो बलोच भाषा और कुर्दियों में भी समानता है क्या? भाषा में इतनी समानता नहीं है, बट जो एथनिकली उनमें सिमिलैरिटीज हैं, वो भी वो जैसे गोल गोल घूम के डांस करते हैं कुर्द लोग, बलोच लोग भी, तो उसमें काफी वो है। और उनकी जो जैसे मैंने किताब में लिखा हुआ है पूरी हिस्ट्री है उनकी। अच्छा, वो कैसे आए और उधर, हाँ, तो वो भी लिंक है। अच्छा, तो ये इससे शायद समझ में आता है, क्योंकि मैंने बलोच लोगों से ज्यादा ऑनलाइन ही इंटरेक्शन है, उनको हमेशा हिंदुस्तानियों से काफी प्रेम रहता है, जो कि कुर्दियों के लिए भी है बाय द वे। कुर्द लोग हमेशा बोलते हैं कुर्दी हिंदी भाई भाई, तो क्योंकि मैं कुर्द लोगों से काफी मिला हूँ तो उनको हमेशा रहता है कि कुर्दी हिंदी भाई भाई, उनको लगता है कि हिंदुस्तान और कुर्द लोगों में एक पुराना रिश्ता है, एक उनमें बड़ी आत्मीयता है आपस में। दो रीजन है भाई बलूचों का भी और कुर्दों का, आपने जिक्र किया कि एक तो सब लोग इंडिया की जो डेमोक्रेसी है और इतने कंसिस्टेंटली जो हम डेमोक्रेसी है वो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और इंडिया की सेक्युलरिज्म, बलोच बिल्कुल सेक्युलर है, उनकी जितनी भी आप सब हैरान होंगे कि 1947 में जहां पर कोई भी हिंदू को अटैक नहीं किया गया या कोई रायट नहीं हुए थे, वो सिर्फ बलूचिस्तान का। जब अकबर भुक्ती पे अटैक हुआ था, आप याद होगा उसके घर पे अटैक हुआ था, जितने ज्यादातर जो लोग मिले थे वो हिंदू थे, क्योंकि वो हिंदू उसके साथ में उनके पनाह ली हुई थी। तो एक बिल्कुल ही सेक्युलर रियासत रही है, और आज की डेट में भी बलोच बिल्कुल ही सेक्युलर है। वो मुसलमान तो हैं, सुन्नी भी हैं, मगर उनके लिए उनकी बलोच आइडेंटिटी, उनकी बलोच शनाख्त उनकी बलोच है, और यानी कि वो मुसलमान है। और मेरे ख्याल कुर्दों में भी यही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, कुर्द लोग भी अपने आप को लेकिन कुर्द लोगों की जो आत्मीयता है वो हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी होने से पहले की है, उनको लगता है कि हमारा कुछ हजारों साल पुराना रिश्ता है। मुझे नहीं बात, मुझे तो उनको ऐसा, हाँ, तो ये उनके उनके दिल में फीलिंग रहती है कि हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता है आपस में, जबकि हिंदुस्तान में बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, पर हर कुर्द जानता है हिंदुस्तान के बारे में, और उसको लगता है कि हिंदुस्तान से उसका एक बहुत गहरा नाता है। ठीक है, अभी हम लोग मौजूदा स्थिति पे आने से पहले जब बात छिड़ी है इराक और कुर्दिस्तान की, तो एक और एक वाक्या था ना देवाशीष जी, जिसमें बलूचिस्तान जुड़ा हुआ है, जो इराकी एम्बेसी में अलेज किया गया था ब्रिटिश ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कि ये बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए उन पर अटैक किया गया, उसके बारे में भी कुछ बताइए। एक्चुअली ये भुट्टो जब इलेक्शंस हुई थी तो उस टाइम बलोच जो नेशनलिस्ट थे, अताउल्ला मेंगल और इनकी जो पार्टी थी नेशनल अवामी पार्टी,
वो बलूचिस्तान में पावर में आई और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। मगर भुट्टो को ये कबूल नहीं था कि ये बलूच नेशनलिस्ट यहाँ पर रूल करे, तो वो मौके ढूंढ रहा था कि किस तरह मैं इसको डिसमिस करूं अताउल्ला मेंगल की गवर्नमेंट को, नेशनल अवामी पार्टी की गवर्नमेंट को। तो उन्होंने ये एक कॉन्स्पिरेसी कुकअप की और कहा, हालांकि ये जो आर्म्स थे इराकी एम्बेसी इस्लामाबाद में पकड़े गए, बट इन्हें दिखाया गया कि ये कराची से बरामद हुए हैं और ये आर्म्स थे बलोच रेबल्स के लिए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बाद में पता चला कि बिल्कुल सरासर झूठ था। उसके बाद तो इस तरह से उन्होंने इसको मौके को यूज करके मंगल की मिनिस्ट्री को डिसमिस कर दिया और उसके बाद फिर बलोच उठे और 4 साल तक वो इंसर्जेंसी चली। तो ये इसलिए हुआ था कि उसको झूठ मूठ बयान दर्ज करके एक मौका ढूंढा कि किसी तरह से मंगल की मिनिस्ट्री को डिसमिस किया गया। तो इसी बात पर चर्चा जारी रखेंगे, पर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Hello and welcome to another awesome week at the IVM Podcast Network. If you're not following us on social media, please do. We are at IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram. Don't forget to take a screenshot of whatever podcast of ours that you're listening to. Take a screenshot and put in a comment about what you think about the show and we will reshare it from our social media pages. Here's what's in store for you this week. On The Seen and the Unseen, Amit Verma is in conversation with historian Srinath Raghavan. They talk about the complicated history of Jammu and Kashmir, the recent abrogation of Article 370, and what the future might hold. On Paisa Vaisa, Anupam Gupta is joined by Vishal Sabarwal, EVP, E-commerce and Digital Marketing at HDFC Life. They discuss life insurance and its importance, different investment options offered by HDFC Life, and more. On Keeping It Queer, Naveen and Farhad talk to drag queen Sushant Divgikar about his journey of representing one's community and why is it important. On our Kannada podcast Thalle Harte, Varun Ramachandra talks to Pawan Srinath about his life in political sciences and political philosophies. On Football Shootball, Gaurav Karthik and Sivaram discuss the Manchester City versus Tottenham match. They touch upon the Neymar saga and Roberto Pereira dancing to Baazigar O Baazigar. On the Geek Fruit podcast, Jishnu and Dinkar break down and give their take on the brand new TV series The Boys. On Golgappa, host Trupti Khamkar is joined by Daniel Mendonca, a gender rights activist who talks about being sex positive and inclusiveness. He also shares his experience of representing India at the UN. On Water Player, Mikhail Akash and Siddharth talk about Chris Gayle breaking Lara's record, Kedar Jadhav's comparison with Vix, Rafael Nadal and his sneakers, Arsenal fans and a lot more. On Simplified, Chuck and Sriket talk to crossword setter for the Hindu Tony Sebastian about crossword puzzles and what goes into setting them. And with that, let's get you back onto your show. तो अब आ जाते हैं आज की तारीख के बारे में। आज की तारीख में आपके अकॉर्डिंगली पाकिस्तानी बलूचिस्तान की पाकिस्तानी राष्ट्र से क्या शिकायतें हैं मेनली? शिकायतें का फेहरिस्त बहुत लंबी है। मैंने इनफैक्ट अपनी किताब में तीन चैप्टर्स जिस पे मैंने लिखे हैं। तो मैं अगर बहुत संक्षिप्त में कहूं, एक तो ये है कि जैसे मैंने कहा था, बहुत लोग समझते हैं कि हमारा जो मौजदा और जो एक्सेशन हुई पाकिस्तान में वो इलीगल थी, वो इसको आज तक कबूल करने के लिए तैयार। इसके बाद पिछले 70 साल में जो पाकिस्तान ने हशर बलूचिस्तान का किया है वो एक फर्दर कॉज बन गया। अब जैसे देखिए पोलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मार्जिनलाइजेशन है, वहां पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है। अब जैसे मैं आपको उसका इसका इफेक्ट क्या हुआ है, हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टैलिटी और मटर्नल मोर्टैलिटी रेट्स, जैसे बच्चों के जो शिशु जब पैदा होता है उनकी जो डेथ हो जाती है या माँ की डेथ होती है जब बच्चे को पैदा करते हैं, वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा पुअर स्टेट है और चारों प्रोविंसेस में लोएस्ट लिटरेसी रेट है, कोई डेवलपमेंट है नहीं। अगर पंजाब में GDP ग्रोथ रेट 4.8 है तो पाकिस्तान ये बलूचिस्तान में 2.4 है, बिल्कुल आधे से ज्यादा है। हालांकि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है पाकिस्तान, सबसे ज्यादा रिसोर्स है, फिर भी इनको डिलिबरेटली पुअर रखा गया। अब जैसे मैं आप सबसे बड़ा मसला आपको लिखता हूँ गैस का। गैस ट्री में 1950s में डिस्कवर हुई और कोई 30 साल तक 90% गैस पाकिस्तान को सुई से मिलती थी और मगर बलूचिस्तान में और सुई में ये गैस अवेलेबल नहीं थी, सारी गैस बाहर जाती है। और आज के क्वेटा में भी कोई मेरे ख्याल 1980 या 1990s में जाके गैस सप्लाई हुई जब वो आर्मी का वहां पे कोर आके बसी। मगर तो ये बलोच कहते हैं कि ना तो हमें अपनी गैस मिली है
और जो रॉयल्टी भी मिलती है बलूचिस्तान को गैस की वो सबसे कम मिलती है। पंजाब और सिंध को ज्यादा रॉयल्टी मिलती है उनकी गैस के लिए, मगर बलूचिस्तान को कम मिलती है। इस तरह से बहुत बहुत से उदाहरण है कि बलूचिस्तान की जो रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उनको कितनी बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करके बलूचिस्तान को गुरबत में रखा हुआ है मगर बाकी पाकिस्तान प्रॉस्पर किया है। और आज क्या हुआ है कि जब चाइना के एंट्री के बाद, जैसे ग्वादर का पोर्ट बना रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब वैसे पाकिस्तान कहता है कि दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, मगर बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर नहीं है। तो जितनी भी जो लेबर आई है वहां पे, वो पे बाहर से आई है, और जो चाइना पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्वादर में जो होंगे, बलूचों को ये डर है कि वो माइनॉरिटी बन जाएंगे। इतने चाइनीज और पंजाबी और बाकी प्रोविंस से लोग आकर वहां पे काम करेंगे, कॉम बच जाएंगे, क्योंकि इस तरह की जैसे गैस सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स बलूचिस्तान में, वैसे इस तरह कॉपर है, इसी तरह यूरेनियम है, बहुत से ऐसे रिसोर्सेज है जो सिर्फ बलूचिस्तान में है, मगर उनका फायदा बलूचों को नहीं मिल रहा। तो वो बलोच कहते हैं कि हवा इतना एक्सप्लॉयटेशन हमें कर रहे हैं, तो हमें इससे क्या मिला। तो जो स्टेट है पंजाब की, और वो तो एक बलूचिस्तान में कॉलोनी की तरह ट्रीट करती है। इनफैक्ट आपको 1977 में एक बलोच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट का एक ऑर्गन था कॉल्ड जबल, उन्होंने 1977 में ये लिखा है और जो आज की तारीख में बिल्कुल लागू है, और मैं कोट करके आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद कैलकुलेशंस, बलूचिस्तान इज अ वास्ट स्टेट फॉर प्लंडर, एन एरिड डेजर्ट फ्लोटिंग ऑन ऑयल एंड मिनरल्स। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इज डिक्टेटेड बाय द डिजायर to extract this treasure for the benefit of the Pakistani bureaucratic bourgeoisie and foreign imperialist interests. The Pakistani oligarchy needs Balochistan's oil and minerals to overcome the severe economic crisis gripping the whole country. ये 77 में लिखा है, 50 साल बाद भी ये इतना ही लागू है जितना ये था। आप समझ सकते हैं कि कितना उनको बलूचिस्तान को एक्सपोर्ट किया गया है और उसपे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई बलूचिस्तान को। और जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे बजट देखिए पाकिस्तान के, जो इन्वेस्टमेंट है बाकी प्रोविंसेस के हिसाब से, वो पाकिस्तान बलूचिस्तान में नहीं की गई है। आप जैसे जो पॉवर्टी रेट्स भी हैं, जो नेशनल फाइनेंशियल कमीशन का अवार्ड भी है, वो ज्यादातर पॉपुलेशन के बेसिस पर था टिल वेरी रिसेंटली। तो पॉपुलेशन क्योंकि बलूचिस्तान की कम है, उनको हमेशा कम हिस्सा मिलता था। रिसेंटली उन्होंने लास्ट अवार्ड में पॉवर्टी भी की, और पॉवर्टी के हिसाब से बलूचिस्तान को थोड़ा ज्यादा पैसा मिलना शुरू हुआ है, मगर फिर भी जितना नहीं मिला जितना उनको एक्चुअली मिलना चाहता था, क्योंकि पॉवर्टी डिलिबरेटली अंडरकोट की गई थी। तो इस तरह से बहुत इनके जो मसाइल हैं और बहुत इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इसलिए बलोच के इतनी ग्रीवेंसेस हैं पाकिस्तान के साथ। हाँ, तो हम लोग मैं और सौरभ ये डिस्कस कर रहे थे देवेश्वर जी कि जैसे ये तो क्लासिक कॉलोनी का डेफिनेशन हो गया ना, जितना इकोनॉमिक रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उससे कहीं कम रिसोर्सेज जा रहे हैं बलूचिस्तान की ओर, तो ये एक कॉलोनी हो गई। पर ऐसा भी है क्या, क्योंकि इतने अर्बन एरियाज नहीं है बलूचिस्तान में, जो बलोची बाहर आते हैं बलूचिस्तान से उन्हें पाकिस्तानी स्टेट में या पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर में उन्हें कुछ जॉब्स मिल पाते हैं या नहीं, उसमें भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन है क्या? देखिए, जितने भी डिस्क्रिमिनेशन ऐसे है कि जितना भी आप बलूचिस्तान में जो सेक्रेटेरिएट है, जितने भी वहां सीनियर पोजीशन है, सब बाहर के लोग आए हुए हैं, कोई बलोच नहीं है। इसी तरह जो मिनिस्ट्रीज हैं या फॉरेन मिशन है पाकिस्तान में, उनमें आपको बस बलोच मिलेंगे नहीं या बिल्कुल चुने गुने बलोच मिलेंगे। तो इसलिए जो भी डिसीजंस होती है बलूचिस्तान के बारे में, उसमें बलोच पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ना ही क्वेटा में, ना ही इस्लामाबाद में, ना ही फॉरेन मिशंस में। तो बलूचिस्तान का जो केस है वो कौन लड़ेगा, वो कैसे लड़ेगी, उनके जो पार्लियामेंटेरियंस है बहुत कम है, सेनेटर्स बहुत कम है, तो बलूचिस्तान की सुनवाई नहीं है। और अगर कुछ करे भी बलूचिस्तान के बारे में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस्लामाबाद में, वो बलूचिस्तान के सपोर्ट पर नहीं बनी हुई। उनके सारे एमपीज तो पंजाब से हैं, तो वो पंजाब की ज्यादा देखभाल करते हैं और ना ही बलूचिस्तान की। अब सारा बलोच रेजिमेंट है पाकिस्तान आर्मी में, उसमें एक ही बलोच नहीं है, नाम है बलोच रेजिमेंट, कलात स्काउट्स है, उसमें एक भी बलोच नहीं है। सब बाहर से आए हुए हैं या उन्होंने फ्रॉड डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया हुआ है तो वहां से उसपे या पश्तून है उसमें। तो इस तरह से बलोच समझता है कि आपने सही कहा, क्लासिकल इकोनॉमी है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है कि बाहर रिसोर्स लेते जाओ और इसमें अंदर कुछ बताओ। अब समझ में आया। अब
इसी बात पे आपने 1973 की इंसर्जेंसी के बारे में बात की थी, तो जो हम लोग आज चल रहा है बलूचिस्तान में उसे पांचवी बगावत कहते हैं, है ना जी। तो आपने लिखा है कि हर नई बगावत पिछली बगावत से ज्यादा व्यापक और प्रभावशाली रही है, तो ऐसा क्यों कहते हैं आप किताब में? इसलिए कि जो हर एक जो बगावत है वो पिछली बगावत से ज्यादा देर चली है। अब देखिए वो पिछली वाली 73 टू 74 साल तक थी, ये 2002 से शुरू होकर अब 2017 साल तक ऑलरेडी चल चुकी है और पता नहीं आगे कितनी चलेगी। एक ज्यादा लास्टेड लॉन्गर है और लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया में है। पहले तो होती थी एक ट्राइबल एरिया में, या मेंगल थे या मारी थे, तो ये बढ़ बढ़ के अब ना पूरे बलूचिस्तान में फैल गई है। तो एक तो लंबी चली है, ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया है और ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है। पहले अगर एक या दो ट्राइब थी, अब पूरा बलूचिस्तान में जो मिडिल क्लास बलोच है और जो मकरान के जो रहने वाले एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो सब इसमें शामिल है। तो इसलिए मैंने कहा है कि हर एक इंसर्जेंसी है वो ज्यादा व्यापक या फैली हुई है प्रीवियस इंसर्जेंसी के। तो पहले इनमें से जो चार बगावती थी वो तो 1977 तक ही हो चुकी थी, क्योंकि काफी मतलब एक के बाद एक लगातार चलती रही। उसके बाद 1977 के बाद सीधा 2000 में आए, तो मतलब इतने सालों तक क्या पाकिस्तान आर्मी ने 1977 में पूरा क्रश कर दिया था बलूचिस्तान रेजिस्टेंस को? नहीं, एक्चुअली क्रश था, एक तरफ से तो क्रश हुआ, मगर उनके जिया के टाइम में जब उन्होंने आया, उन्होंने बलोचों को जेल से रिहा किया, जो बलोच के मसाइल थे वो हल नहीं हुए। बलोचों को मिलिटरीली कंपेल करके उनको फोर्स किया, मगर उनके जो मसाइल थे वो बढ़ते गए। इसलिए बलोच में ये है कि जब उनके पास कुवत होती है, जब उनके पास स्ट्रेंथ होती है तो वो लड़ाई पे आ जाते हैं, मगर अगर उनकी क्योंकि उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हुई, जब उनके पास स्ट्रेंथ है वो रिवोल्ट करते हैं। तो ये 47 से 48 से आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूसली आया है, क्योंकि पाकिस्तान स्टेट ने ये एड्रेस उनके जो ग्रीवेंसेस है उनको एड्रेस नहीं किया। ये मेरी किताब का मेरी जो अंडरलाइन थीम यही है कि जब तक आप उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं करोगे, उनके जो पोलिटिकल ग्रीवेंसेज है, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेज है, डिप्रिवेशन है, उनको अपने राइट्स नहीं दोगे, तो ये बलोच बगावत पे आते रहेंगे। आप उनको मिलिटरी चलो आपने 77 में उनको क्रश कर दिया, मगर अब तो 2002 के बाद, क्योंकि उस टाइम भी मूवमेंट बिगड़ गई और उनको इतना टाइम लगा और इतनी जब एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ गई, इतना टाइम लगा टू गेट द स्ट्रेंथ टुगेदर और फिर बगावत पे आ जाए। तो लेकिन आपको लगता है कि ग्रीवेंसेस, मान लीजिए जैसे जो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं, अगर वो खत्म कर दी पाकिस्तान ने, तो बलोच लोग छोड़ देंगे फिर अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री की लड़ाई? ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में कह नहीं सकता, मगर ये मैं कहूंगा कि आज की डेट में इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस अपनी जगह पर बहुत जरूरी है, मगर अब क्वेश्चन बन गया है बलोच आइडेंटिटी कि बलोच अपने लैंड पे बलोचिस्तान में क्या माइनॉरिटी बन जाएंगे, क्या वो रेड इंडियनाइज हो जाएंगे? अगर इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस अपने सॉल्व भी कर दिए, मगर वहां 5 मिलियन चाइनीज आ गए और पंजाबी आ गए और ये माइनॉरिटी बन गए, तो अब क्वेश्चन बन गया है बलोच आइडेंटिटी का। और ये मुझे किसी भी कौम के लिए अपनी शनाख्त या अपनी जो आइडेंटिटी होती है वो सबसे बड़ा इश्यू होता है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरी लैंग्वेज, मेरी आइडेंटिटी मुझसे छीनी जाए। तो अगर इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस भी हों और वो भी रिजोल्व किए जाएं, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसे कभी करेगा, उनकी जो ग्रीवेंसेस है उनको गैस का बेनिफिट देगा या उनको अपने रिसोर्सेज का बेनिफिट देगा। ये बड़ा मुश्किल है बलूच पाकिस्तान को करने के लिए, कर भी देगा मगर बलूच शनाख्त का क्या होगा, बलूच आइडेंटिटी का क्या? तो ये मुद्दा मेरे ख्याल बढ़ गया। लेकिन लोग अपनी आइडेंटिटी बिना एक कंट्री बनाए भी रखते ही है ना। अब जैसे हिंदुस्तान में मारवाड़ियों की, पारसियों की आइडेंटिटी है, कौन सा उनके पास में कोई सूबा है? नहीं, सही बात है, इनके पास तो सूबा है ना, इनके पास तो जमीन है, इनके पास तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये तो अपना ट्रेस करते हैं सदियों से, ये तो आज की तो बड़ा ही पुरानी कौम है ना, इनकी तो पूरी हिस्टोरिकल है, इनका कल्चर है, इनकी अपनी सोशल सिस्टम है, तो वो नहीं छोड़ सकते ना। तो एक और हालिया एक जो मामला बहुत पाकिस्तान में चल रहा है वो है ये गुमशुदगी का, कि जैसे बलोच कई यंगस्टर्स हैं वो गायब हो जाते हैं और नामालूम अफराद उन्हें कैप्चर कर लेते हैं, तो ये सब क्या हो रहा है और ये मानवाधिकार उल्लंघन जो हो रहे हैं ये कैसे और क्यों लगातार जारी है? एक्चुअली ये गुमशुदा उनको अगवानी करते हैं पाकिस्तान आर्मी या रेंजर्स, उनको सब वो खुलेआम बाजार में जाके यूनिफॉर्म में जाके लोगों को उठा लेते हैं
और सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारे जितने भी कोर्ट है, इनने ये रिकग्नाइज किया है कि ये आर्मी इंडल्ज कर रही है ह्यूमन राइट वायोलेशन। और ये बड़ा ही दर्दनाक मसला है कि आप समझे किसी का जवान बेटा है 20-21 साल का, और उसको उठा लें और 2 साल तक उसके बारे में पता ही नहीं कि वो बेचारा कहाँ पे है, किस हाल में, जिंदा भी है या जिंदा नहीं है, और उसकी फिर लाश 2 सालों के बाद मिलती है कहीं फेंकी हुई, बुरी तरह से उसको टॉर्चर किया गया है, उसको गोली मारी हुई है, उसकी किसी की आंखें निकली हैं, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। तो ये एक बहुत ही मसला, और इस मसले ने बलोच गुस्से को और बढ़ाया है, पीपल आर मोर एंग्री बिकॉज ऑफ दिस कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। और पाकिस्तान आर्मी ये कर रही है क्योंकि वहां पर एक तो मीडिया ब्लैंकेट है, किसी को पता नहीं चलता, और कोई भी इसके बारे में प्रोटेस्ट करता है तो जर्नलिस्ट टारगेट बन गए हैं। अब जर्नलिस्ट की ह्यूमन राइट्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन गया है बलूचिस्तान में, कि जो भी इसके बारे में लिखता है उसको आर्मी आके उठा लेती है, पहले वार्न करती है, फिर उठा लेती है, फिर उसकी भी लाश बन जाए और वो भी एक गुमशुदा बन पर्सन बन जाते हैं। तो इस तरह से आर्मी ने पूरा उस पर ब्लैंकेट रखा हुआ है और वो अपना नैरेटिव चलाना चाहती है। और ये जब से चाइनीज आए हैं इससे ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि चाइनीज कहते हैं हमें इतनी इन्वेस्टमेंट का पैसे लगा रहे हैं, हमें पूरी पीस चाहिए, आप ये इंसर्जेंसी आप कंट्रोल करें। तो इससे आर्मी और भी सख्त हो गई है बलूचों पर, और इसलिए ये बड़ा बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है। अनफॉर्चुनेटली इस पे इंटरनेशनल लेवल पे इसकी अभी तक बहुत कम सुनवाई हुई है, हुई है सुनवाई, जिनेवा में बलोच जाते हैं वहां पे ये इशू रेज करते हैं, एक बार यूएस कांग्रेस में भी ये इशू रेज किया था, और जिस तरह सिस्टमैटिकली इसको करना चाहिए वो नहीं हो रहा। हाँ, और ये मतलब ज्यादा न्यूज में भी नहीं आता पाकिस्तान के बाहर कि कितना व्यापक है ये सब गुमशुदगी का मामला, और हम ये एक चीज है जिसके ऊपर काफी और चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, एक अच्छी बात ये हुई है कि सोशल मीडिया खासतौर ट्विटर के जरिए से अब जो भी वहां होता है कई लोग अब उसके बारे में ट्वीट करने लगे, जो बाहर बैठे हुए जिनको पता चलता है अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से उसके बारे में ट्वीट करना चाहिए। तो मैं तो ये एक सजेशन दूंगा कि हालांकि इंडिया डायरेक्टली मुदाखलत वहां नहीं कर सकती, मगर एटलीस्ट मीडिया के तौर पर या हम जो बलूचिस्तान के बारे में सोचते हैं या सोशल मीडिया पे, हमें इनके इसको ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ावा देना चाहिए, हमें इसको रिट्वीट करना चाहिए और लोगों को और बताना चाहिए कि बलूचिस्तान में हो रहा है। इस तरह से फिर कॉन्शियसनेस दुनिया में बढ़ेगी सोशल मीडिया के जरिए। अब आ जाते हैं इसी सवाल पे जिससे जहां से हमने शुरू किया था, क्योंकि बलूचिस्तान और कश्मीर के बारे में काफी मतलब पैरेलल्स जोड़े जाते हैं, तो इसी सवाल पर थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि बलूचिस्तान और कश्मीर में जो इंसर्जेंसी है उसमें क्या मूलभूत समानताएं हैं और क्या मूलभूत फर्क है आपके मुताबिक? एक्चुअली ये कश्मीर और बलूचिस्तान का मामला बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं, किसी माने में भी कंपेरेबल नहीं है। क्योंकि देखिए महाराजा ऑफ कश्मीर ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन किया था वो अपने तौर पे वॉलंटरली साइन किया था, उसमें कोई दबाव नहीं था। हाँ, दबाव जो था वो था कबायली इन्वेजन थी, वो अलग था दबाव था, पर इंडिया ने कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन कराने का दबाव नहीं दिया। कलात के केस में उसको कलात से उठाकर कराची लेके गए अंडर अरेस्ट, और वहां पे उसको फोर्स किया गया टू साइन द एक्सेशन जो इलीगल था। एक तो ये बात हुई, दूसरा 1948 में बलोच बगावत पे तुलाए, जैसे उसने एक्सीड किया, जो काला खान और कलात के भाई थे वो इमीडिएटली ब्रोक आउट इनटू रिबेलियन, और 1948, 1958, 62, 73, 74 और 2002 बलूचिस्तान में रिबेलियन हुई है। तो क्योंकि वो लोग वहां सेशन को नहीं मानते थे, मगर कश्मीर के केस में ये नहीं हुआ है। कश्मीर के केस में जब ट्रबल शुरू हुई है पाकिस्तान के इंस्टिगेशन पे तो 89-90 में हुई है, ठीक है। और देन फाइनली कलात एक ट्राइबल स्ट्रक्चर में था, जैसे मैंने उसका जिक्र किया, कश्मीर एक ट्राइबल नहीं था, एक तो डिफरेंट काइंड ऑफ रियासत थी। तो ये कश्मीर और बलूचिस्तान को एक तरह तरोजी में तोड़ना ये बिल्कुल ही कोई मायने नहीं रखता, टोटली डिफरेंट सिचुएशन। हाँ, और एक चौथा डिफरेंस मैंने ये भी देखा है कि जैसे आपने बताया बलूचिस्तान का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो पाकिस्तान के बाकी कई एरिया से काफी कम है, और क्लासिक इकोनॉमिक कॉलोनी की डेफिनेशन में है, क्योंकि जितना रिसोर्सेज वहां से लिया जा रहा है उतना दिया नहीं जा रहा है वापस, जबकि कश्मीर और भारत के मामले में फिर से मामला अलग है क्योंकि इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूनियन गवर्नमेंट से कश्मीर में काफी ज्यादा ज्यादा है, पर कैपिटा ट्रांसफर्स बाकी सब स्टेट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है कश्मीर के लिए, और लिविंग स्टैंडर्ड्स भी कश्मीर के कई मामलों में रेस्ट ऑफ इंडिया से बेहतर है, कम नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, जितना ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज
भारत सरकार करती है कश्मीर में, तो बाकी प्रोविंसेस में बिल्कुल ही नहीं है, बाकी स्टेट्स में जो इंडिया की है, मगर उसमें बिल्कुल ऑपोजिट है, वहां पे लेती है बलूचिस्तान से और कोई इन्वेस्टमेंट वहां पे नहीं करती। हाँ, तो ये थोड़ा फॉल्स इक्विवेलेंस वाला केस हो गया बलूचिस्तान और कश्मीर को तोलना, पर कई बार होता है ये दोनों शब्द साथ में आते हैं, कोई कश्मीर बोलता है तो सीधे बलूचिस्तान पे आता है, और शायद इस पॉडकास्ट सुनने के बाद हमारे लिसनर्स इन दोनों में फर्क कर पाएंगे। तो खासकर देखो, सबसे बड़ा फर्क अगर वो एक जैसे होते तो ईरान में टेररिस्ट कैंप बने होने चाहिए थे, जो कि जैसे पाकिस्तान में बने होते हैं, पर जबकि वहां उल्टा है, ईरान जो है वो मदद कर रहा है क्रश करने के लिए, बजाय इसके कि उनकी अबेटमेंट कर रहा हो, तो ये यहाँ पे तो हमारे यहाँ एकदम ही उल्टी चीज है। तो बलोच बेसिकली बलोच लोगों को कोई सपोर्ट नहीं है नेबरिंग कंट्रीज से, और उसके बावजूद वो लगे हुए हैं, और यहाँ पे कश्मीर में तो अगर सपोर्ट नहीं हो आजू बाजू से तो सब ठंडा पड़ जाएगा एकदम। हाँ बिल्कुल, ये फंडामेंटल डिफरेंस। आपने जैसे बलोचों को कहा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप, एक मैं आपके दर्शकों के लिए, सुनने वालों के लिए एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो मेरी सबसे फेवरेट बलोच स्टोरी है। तो 1958 में जब ये दूसरी बारी जब बगावत शुरू हुई, तो वो एक 80 साल के बुजुर्ग थे नौरोज खान, उन्होंने वो उसके लीडर थे, वो एक साल तक पहाड़ों में लड़े, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें संदेश भेजा कि कुरान पे कसम खा के कि आप नीचे आ जाएं, हम आपको फ्री पैसेज देंगे, आपसे कोई जबरदस्ती या केस या कुछ नहीं करेंगे। वो 80 साल का बूढ़ा बेचारा पाकिस्तान आर्मी की बात को मानकर वो नीचे आ गया। जैसे ही वो आया, पाकिस्तान आर्मी ने उसके और उसके साथियों को अरेस्ट किया, उसको मार्शल लॉ कोर्ट में उसको ट्रायल किया और उनको डेथ सेंटेंस सुना दी, क्योंकि 80 साल का था, इसको तो उन्होंने लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी, बाकी जो उसके 11 साथी थे, उनके 2 बेटे भी थे साथ में जवान बेटे, उनको फांसी की सजा, उनको फांसी पे लटका दिया। जब फांसी पे लटका के उनकी बॉडीज थी वो जमीन पे पड़ी हुई थी, तो आर्मी वाले ने, ऑफिसर ने नरेश खान को बोला, इनमें से आपका लड़का कौन सा है? तो वो 80 साल का बुजुर्ग बोलता है, जिसके अपने लड़कों की लाशें देखी नीचे, कहता ये सब मेरे। फिर एक उनके जो साथी थे, उसकी मूछ जब हैंग हुआ, उसको फांसी लगी, उसकी मूछ नीचे आ गई थी, तो ये नीचे बैठकर उन्होंने मूछ को ताव दिया ऊपर की मूछ, और बोला बेटे मौत में भी दुश्मन को ये बावर मत करना कि यू हैव बिकम डिस्पेयर्ड, दैट यू हैव डिस्पेयर्ड, यू डोंट लेट द एनिमी थिंक इवन फॉर अ मोमेंट दैट यू हैव डिस्पेयर्ड। तो ये बलोच की कौम है, ये बलोच की हौसला और इनकी हिम्मत की वो है, तो अपने आप ही लड़ेंगे जब तक उनके पास आखिरी बुलेट होगी, वो लड़ेंगे अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। तो ये मैं कहना चाहता था आपके हाँ, और आपकी किताब में वो एक जो गौसबख्श बिजेंजो का स्पीच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो भी मुझे लगता है बहुत ही वापस पढ़ने लायक है, और उसको लिंक करेंगे हम लोग हमारे एपिसोड में, दर्शक लिसनर्स को पसंद आएगा। तो अब आ जाते हैं कि भारत के बारे में, अब हम लोग बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग तो भारत में हैं, तो एक पाकिस्तान की हर तरफ से हमेशा ये आरोप आते रहते हैं कि भारत बलूचिस्तान में अस्थिरता का एक बड़ा कारण है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें ये है कि क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और जैसे मैंने कहा 48 से नहीं कंट्रोल कर पा रहा, तो वो अपने बजाय अंदर झांकने के कि मेरी गलतियां क्या हैं, क्योंकि बलोच इस तरह से हर जनरेशन में बलोच रिवोल्ट पे क्यों आ जाते हैं, तो वो एक्सटर्नलाइज करता है कि ये फॉरेन हैंड है, और इंडिया ज्यादा सबसे ज्यादा कन्वीनियंट विपिंग बॉय है, तो हमेशा कहता है कि इंडिया इसमें मदाखलत कर रहा। और जैसे कश्मीर में हमने पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की डॉक्यूमेंटेशन दी है, लोगों को पकड़ के दुनिया के सामने पेश किया है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, पाकिस्तान ने आज तक एक श्रेड ऑफ एविडेंस शो इंडियन इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया। आपने रिसेंटली वो कुलभूषण यादव का केस देखा होगा, वो भी कितना सस्पिशियस मशकूक केस है, उसको ईरान से उठाकर दिखाया गया कि बलूचिस्तान में पकड़ा गया, तभी वो काउंसिल एक्सेस भी नहीं दे रहे। तो इसलिए पाकिस्तान कोई एविडेंस नहीं ला सका आगे कि इंडिया का हाथ बलूचिस्तान की ट्रबल्स में है, और इसलिए वो करना चाहते हैं, वो लिंकेज इसलिए बनाना चाहते हैं, एक तो अपने लोगों को बोले कि देखो ये इंडिया ये कर रहा है, और दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोले, क्योंकि वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर रहे, तो वो कहना चाहते हैं कि देखिए बाकी की कंट्रीज आकर यहाँ पे ट्रबल क्रिएट कर रही है, इसलिए ये सिचुएशन। मगर ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं, और क्योंकि इंडिया का बॉर्डर भी नहीं लगता,
हम आगे जाके कैसे सपोर्ट करेंगे। जिन्होंने जैसे बांग्लादेश का लोग एग्जाम्पल देते हैं, वहां बलूचिस्तान का बॉर्डर नहीं है पूरा, आपको सिंध क्रॉस करके जाना पड़ेगा या आप समुद्री इलाके से जाएंगे। तो इसलिए ये पाकिस्तान की आर्गुमेंट दुनिया में इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि इंडिया वहां बलूचिस्तान को कुछ वजाकत देता। हाँ, और अगर आप ईरान से भी जाना चाहे तो लोग, ईरान के लोग खुद आपको नहीं जाने देना चाहेंगे बलूचिस्तान इंसर्जेंसी को अगर कुछ करना चाहते हो, क्योंकि उनके भी हित में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ईरान तो बिल्कुल चाहेगा कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन लेकिन सॉफ्ट सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, पैसे वगैरह दे करके, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे करके, उतना भी नहीं करते हिंदुस्तान से कुछ? नहीं, मैं समझता हूँ फिर वो इंटरफेरेंस जाती है दूसरी कंट्री में, वो हमें नहीं करना चाहिए। हमारा डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी, हमें अपना, तो जैसे मैंने कहा मीडिया, जैसे अब सोशल मीडिया है, सरकार को तो अब जो सरकार करती है वो करे, बट जो हम लोग जैसे हैं, आप लोग हैं और जितने भी बाकी लोग हैं जो बलोच को सिंपथाइज करते हैं, हमें सोशल मीडिया पे उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। और जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर आप कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करें बलोचिस्तान पे, आर्टिकल्स लिखे बलोचिस्तान पे, मीडिया डॉक्यूमेंट्रीज बनाए जहां तक पॉसिबल है, या इस तरह से आपके इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि बलोचिस्तान में बहुत जुल्म हो रहा है, इट इज ए ऑलमोस्ट लाइक अ जेनोसाइड, इट्स अ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइसिस दैट इज हैपनिंग ओवर देयर, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, इनको आप मोटिवेट करें। इस तरह से सॉफ्ट सपोर्ट, इस तरह का मैं मानता हूँ, सरकार के लेवल पर नहीं, पैसों के लेवल पर नहीं, डायरेक्ट इंटरफेरेंस के लेवल पर नहीं, बट इस तरह की मीडिया सपोर्ट टू बिल्ड ए इंटरनेशनल ओपिनियन, ये बहुत जरूरी है। इस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं बलूचिस्तान। ठीक है देवेश्वर जी, मुझे लग रहा है आप कुछ सारी बात हमको बता नहीं रहे हैं। देखिए चीजें जो है वो शायद बताने वाली नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा तो मैं, मेरे को लगता नहीं है कि हिंदुस्तान में हम इतने दूध के धुले हैं कि बगल में हमारे कुछ गड़बड़ हो रही है और हम उसका फायदा भी नहीं उठाएंगे। अब देखिए, अगर कोई फायदा उठा रहे हैं भारत सरकार में तो मुझे इसका वो तो ठीक बात, वो मैं मान सकता हूँ, जो मुझे मालूम है उतनी मैं मालूम आपको दे सकता हूँ, बाकी भी स्पेकुलेशन हो जाएगा। और फिर वो आपके सुनने वाले सुनके भी आदमी जानता तो है नहीं क्या हो रहा है और ये खुद ही ऐसी बोली जा रहा है। तो जहां तक मेरा मानना है कि दैट एज अ डेमोक्रेसी, एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, हमें दूसरी कंट्री में जाकर, बांग्लादेश का मसला लोग कहते हैं 10 मिलियन लोग हमारे पास आके बैठ गए, तो इंडिया का ऑप्शन क्या था, इंडिया का ऑप्शन क्या था? तो इसलिए, मगर ये बलूचिस्तान में ऐसा केस तो है नहीं, इसलिए इंटरफेरेंस करना, डायरेक्टली इंटरफेरेंस करना, मगर बाकी तरीके, इतने और तरीके हैं, इतने और तरीके हैं बलूचों को, और हमें हेल्प करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए सोशल मीडिया पे स्पेशली। ठीक, तो एक अंत में एक सवाल देवेश्वर जी, जब मैंने किताब पढ़ी तो किताब के अंत में मुझे लगा कि जो बलोच रेजिस्टेंस है उसका थोड़ा भविष्य अनफॉर्चुनेटली थोड़ा कमजोर लग रहा है, क्योंकि इतना पाकिस्तानी स्टेट इतना हैवी हैंड से उनके ऊपर आ रहा है और उनको इतना इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है। तो आपके हिसाब से ये रेजिस्टेंस का भविष्य कैसा होने वाला है? ये इसमें दो तीन चीजें समझने की जरूरत है। एक तो कोई भी इंटरनेशनल रेजिस्टेंस जब सक्सीड करता है, दो चीजें जरूरी होती है, एक तो हिंटरलैंड या नेबरिंग कंट्री या नेबरिंग एरिया से सपोर्ट मिले, और इंटरनेशनल सपोर्ट होना चाहिए। दो चीजें बलोचों पे अभी तक नहीं है। फिर तीसरी, मैंने कहा उनका जो जमीन ज्यादा, रकबा ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है, वो एक और कंस्ट्रेंट है। बट इन कंस्ट्रेंट्स के बावजूद ये इंसर्जेंसी, ये फिफ्थ बगावत 2002 से चल रही है, 17 साल इसको हो गए। इट हैज गॉट अ मोमेंटम ऑफ इट्स ओन, ये हर एक बलूचिस्तान के हिस्से में फैल चुकी है, इट इज मोर रेसिलिएंट, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे आकर्षित हो रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू कंटिन्यू एट दिस लो लेवल, जहां तक मेरा मानना है एट दिस लो लेवल ये कंटिन्यू करेगी, और इस लेवल पर भी वो पाकिस्तान आर्मी को बहुत तकलीफ दे रही है, और खासकर जब चाइनीज पे अटैक्स होते हैं तो और भी तकलीफ होती है। आगे क्या होगा बड़ा मुश्किल है कहने का, क्योंकि अगर आपने सुना हुआ ये चीज होती है ब्लैक स्वान इवेंट, कि जो एक इवेंट जो अनएक्सपेक्टेड हो बट विल हैव सेमिनल कॉन्सिक्वेंसेस, तो ऐसे कुछ हो सकता है कल को, जैसे अमेरिका चाहे कि बलूचिस्तान के जरिए ईरान पे कुछ करना चाहें, इंटरनेशनल सिचुएशन बदल सकती है। तो आगे का क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते, मगर आज की डेट में ये जो इंसर्जेंसी मानता हूँ लो लेवल पर है, मगर लो लेवल पर भी पाकिस्तान को बहुत ये तकलीफ पहुंचा रही है, और ये कंटिन्यू करेगी, क्योंकि बलोच जो हैं वो अब जाग गए हैं, उनमें नेशनल स्पिरिट बहुत आ गई है, उनका जो शनाख्त है, जैसे मैंने कहा उनकी आइडेंटिटी का मसला है कि वो बलोच बलोच रहेगा कि नहीं रहेगा, मसला इस पर आ गया है,
तो इससे मुझे लगता है कि बलोच, हाँ जब तक उनके पास कुवत है, उनके स्ट्रेंथ है, वो आर्म्स के साथ लड़ेंगे, जब स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो वेट करेंगे जब तक उनके पास फिर स्ट्रेंथ आए और फिर छठी बगावत होगी या सातवीं बगावत होगी। तो इसमें प्रणय मेरे को भी एक कैच, जैसा मैंने शुरू में बोला उनका थोड़ा कॉम्पोजिशन एक सेंट्रल एशियन कंट्रीज टाइप का है, तो अगर वहां भी देखो तो अगर अपनी आइडेंटिटी क्योंकि उन लोगों ने बना के रखी हुई थी बहुत सारे देशों ने, तो यूएसएसआर कोलैप्स किसी और रीजन से हुआ पर वो अलग अलग कंट्री बन गई उसके बाद। तो अगर ये लोग अपनी आइडेंटिटी बना के रखते हैं, ये खुद तो मुझे नहीं लगता, मतलब पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग स्टेट है और वो खुद से आजाद हो नहीं सकते इतने सारे रीजंस की वजह से, लेकिन किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से अगर पाकिस्तान कभी डिसइंटीग्रेट हुआ तो बलूचिस्तान एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है क्योंकि ये एक उनकी आइडेंटिटी स्ट्रांग है, अदरवाइज वो भी बिखर जाएंगे उस टाइम पे। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जैसे मैंने कहा ना ब्लैक स्वान इवेंट की अनएक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान इम्प्लोड कर जाए या कोलैप्स कर जाए, फिर बाकी जो सिंधी हैं, बलोच हैं, पश्तून हैं, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए आगे का भविष्य का प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, आज की डेट में जो है वो मैंने आपको बयान कर। हाँ नहीं, पर एक आइडेंटिटी पर हम थोड़ा ओवर एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी के अलावा इकोनॉमिक रिसोर्सेज होना, अर्बन सेंटर्स होना, ये भी बहुत जरूरी है जो कि अनफॉर्चुनेटली वहां पर नहीं है अभी। नहीं पर देखिए देखो, नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है, जो नेशनलिज्म है कि लोग अपने आप को एक महसूस करते हैं, अगर वो ही ना हो तो रिसोर्सेज भी हो या और कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो लोगों को अपने आप को, दिस इज द फंडामेंटल पॉइंट दैट यू हैव टू थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ बलोच, और ये अब लोगों में समझ आ गई है और ये रिकग्निशन है कि हम बलोच हैं और हमारी आइडेंटिटी को खतरा है। अब बाकी चीजें एड ऑन हैं कि हमारा इकोनॉमिक होना चाहिए, क्रिटिकल मास ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए, इंटरनेशनल सपोर्ट, इंटरनेशनल लैंड, मगर अगर शनाख्त ही ना होगी, द बेसिक क्राइटेरिया फॉर एनी नेशनल रूल इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन कम्युनिटी, एक कॉम और एक लैंड, तो वो बलोचों में है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया देवेश्वर जी, बहुत मजा आया, बलूचिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली जो इससे पहले मुझे बहुत कम पता था, और मैं अपने लिसनर्स को कहूंगा कि ये किताब जरूर चेक कीजिए, पाकिस्तान द बलूचिस्तान कॉनेंड्रम, हम इसको लिंक करेंगे हमारे एपिसोड पेज पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर आपने मुझे दावत दी, थैंक यू सो मच। थैंक्स देवेश्वर जी, उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hello everyone, welcome to Tech Careers in the new podcast series presented by Accenture. I'm your host Shiladitya Mukhopadhyay. In this podcast series, we'll get you the latest and greatest in the world of technology that's shaping the future of business as we know it. We're talking intelligent platforms, cloud, AI, blockchain, extended reality, and a whole lot more. Every fortnight on Wednesdays, we'll have for you a hot topic with expert speakers from Accenture talking about top trends in the space, how these are changing the world and creating growth across industries. And importantly, we'll tell you how you can learn more, build your skills and expertise to grow and stay relevant in your career. Episodes out on the IVM Podcast app or wherever you get your podcasts from. Hello everyone, I'm Zain. I'm Avanti. And welcome back to a brand new season of Marbles Lost and Found. A show on mental health and its stigma, and we're kind of making it an open conversation. Pretty much, yeah. And we're really, really excited about this season because we have a number of guests on and we'll be talking about things like addiction, grief, children and mental health. Exactly, children and mental health. And our listeners have also written in. Yeah, this time. Yes, and we have an episode dedicated to that. Yes, and guys, thank you so much for writing and we really, really appreciate it. And we're really excited for you to tune in on Tuesdays on the IVM website or app or wherever you get your podcasts from. And you can find Marbles Lost and Found on Facebook, or you can find Marbles Lost and Found on Instagram as well. The handle being Marbles Podcast India. Can't wait for you to tune in. Thank you very much. See you guys soon.